में ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो मुआहदा अब होने जा रहा है, अव्वल तो इतनी ताखीर क्यों हुई? अमेरिका को, अमेरिकी एक ओहदेदार को, सबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया, वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि चीन के वज़ीर आज़म ने IMF से कहा कि जी आप मुआहदा करें, अढ़ाई तीन माह फिर भी गुजर गए, और अब जबकि हम सब कुछ मान चुके हैं मुआहदा अभी भी नहीं हुआ और अगले हफ्ते की नवीद सुनाई जा रही है। तो एक तो ये मुआहदे में ताखीर, और दूसरा क्या इस मुआहदे से हमारी मईशत संभलेगी या सिर्फ डिफ़ॉल्ट से हम बच जाएंगे? मेरे ख्याल में जो मुआहदे को इतना तवील दिया जा रहा है जी, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान अनाउंस कर दे डिफ़ॉल्ट का। अच्छा, देखिए ना, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुआहदा है जो है पैसा पाकिस्तान को अप्रैल के पहले हफ्ते से पहले मिलेगा। अच्छा, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। अच्छा, जो इफ़ है वो बहुत बड़ा इफ़ है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हमने इकदाम करने हैं। ठीक, तो क्या ये हुकूमत इकदाम करके अपने सियासी कॉस्ट पे करना चाहती है? मुझे नज़र तो नहीं आता है। अच्छा, तो अभी बहुत दूर है, जिस कहते हैं ना दिल्ली हुलूस दूरस्त। अच्छा, तो ये है जी। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे जी, जो आपके जिनको जिसको डेट की पेमेंट करनी है, आप कहेंगे कि जी अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में ये ऐलान करवाना चाहते हैं, जब ही वो डिले करके जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, देखिए मैंने इस इदारे के साथ 11 साल डील किया, 11 साल इतनी 11 साल जी। ये इदारा इस तरीके से काम नहीं करता है। अच्छा, ये इतना लटका लटका के मिसाल के तौर पे अगर ये भी आए थे 10 दिन जी, गुजारा जी, दो दिन और रुक सकते थे, मंडे ट्यूजडे एक हफ्ता और रुक सकते थे, माजी में भी ऐसे रुकते रहे जी, अपने एक्सटेंड कर लेते थे, हमारे जमाने में भी होता रहा एक्सटेंड जी। लेकिन चला जाना इसका मतलब यह है कि वो फिर कुछ ऐसे इकदाम चाहते होंगे कि आप करें जी, जो मैं टीवी पर डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, जरा कथा कला माफ, क्या वो हमें डिफॉल्ट कराना चाहते हैं या कुछ और सियासी शरायत हैं जो अमेरिका की हो सकती हैं, यूरोप की हो सकती हैं, जो उनके आका हैं और हमारे भी आका हैं, क्या वो शरायत मनवाना चाहते हैं या डिफॉल्ट कराना चाहते हैं? एक ही चीज़ है दोनों। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ है। अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी मुश्किल होंगी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब सवाल ये है कि शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि रूस और यूक्रेन ने डिफॉल्ट के बाद तरक्की की। फॉर इंस्टेंस, हम डिफॉल्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर हालात क्या होंगे? और पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कितनी है रिवाइव करने की? देखें, ये सब वो लोग बातें करते हैं जिनको चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। डिफॉल्ट इतना मजाक नहीं होता है। श्रीलंका ने को डिफॉल्ट किए हुए तकरीबन 10 माह हो गए हैं। सही, जिंदगी है वहाँ पर? कुछ कोई जिंदगी नहीं है जी। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सही, सिर्फ स्टेडियम में वही लोग आए हैं जो बसों में जिनके लिए लेकर लाए गए थे, बस वही लोग थे। टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे कुछ, मतलब यह कि बाहर सड़क पे गाड़ियां भी नहीं है, भूखा आलम है सड़क पे। ठीक, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हो, सड़क पे भूखा आलम हो जी, एक सख्त किस्म का जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो शहर में जी? तो ये इतना कहना बहुत आसान होता है। डिफॉल्ट जो है बहुत खतरनाक चीज है, और खासकर हम जैसे मुल्क के लिए जो 220-225 मिलियन वाला मुल्क है, और वो डिफॉल्ट करे, इसके बहुत बुरे और गहरे असरात होते हैं। यह मुल्क फिर दोबारा उसको अपने पैर पे खड़ा होने में डिकेड्स लग जाएंगे, डिकेड्स। डॉक्टर साहब, आप IMF के पास जाने के हक में नहीं थे, तो IMF के पास भी अगर हम ना जाएं या आप गए हैं तो वो जो शरायत पेश कर रहा है वो भी ना माने, डिफ़ॉल्ट तो वाकई ख़तरनाक बात है, डिफ़ॉल्ट और एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास मुतबादल हल क्या है, तजावीज़ क्या हैं? ये ऐसा ही है कि एक पेशेंट है जी जो दवाओं से ठीक हो सकता था जी, आपको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया कि भाई ये कर लें, ये दवाएं ले लें, ये है, ये इंजेक्शन लगा लें,
आपने कहा कि नहीं नहीं हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, हम थोड़ा परहेजी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। वह गुजरता गया, आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो होती गई, डॉक्टर आपको बार बार मशवरा दे रहा है, आप कहते नहीं मैं तो वैसे ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब मरने के करीब आ चुके हैं, सारे जिस्म में कैंसर फैल गया है और आखिरी स्टेज है जैसे अभी इंट्रोडक्शन में कहा गया, तो अब फिर पूछ रहे हैं कि जी डॉक्टर से, उसी डॉक्टर से कि अब बताएं कि क्या किया जाए। जो 4 साल से आपको कह रहे थे दवा खाएं, इलाज करें अपना खुद, उस वक्त तो नहीं किया, जब मरने के करीब आ गए हैं तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि 2-4 किन्नू के वो होते हैं ना, काश वो आपके मुंह पर डाल दिया जाए ताकि मरने से पहले कोई किन्नू का मजा लेकर फिर आप चले जाए इस दुनिया से। जी। ये देखें, ये कहना बड़ा आसान होता है कि मशवरा दे दे क्या किया जाए, या आपको परेशानी लाहक है या मुझे परेशानी लाहक है, और टेलीविजन में रोज देखता हूँ लोग आके परेशान परेशान है, हुकूमत वक्त परेशान है नहीं। यही मैं सवाल करने लगा था कि डॉक्टर साहब, यही मैं सवाल करने लगा था कि डॉक्टर साहब आप बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब और जनाब वज़ीर आज़म इमरान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कहते कोई इशू ही नहीं है, हम बस मीशत को संभाल रहे हैं, संभल गई है, बल्कि 10 माह पहले हम डिफॉल्ट करने लगे थे, अब डिफॉल्ट से हम निकले हैं, अब मीशत बेहतर कर रहे हैं। देखिए संभाल रहे हैं मईशत को, जब आए थे तो 16 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, आज 3 बिलियन से कम है, वो 13 बिलियन डॉलर कहाँ चला गया, मईशत को संभालते संभालते रिजर्व भी चला गया आपका। जी मतलब ये है कि ये सब देखे, अगर मैं सियासतदान होता जी और मैं इक्तदार में होता मैं यही लफ्ज कहता, आप भी सियासतदान होते, आप इक्तदार में होते, आप भी यही लफ्ज कहते, सही। हमारे सियासत में ये चलता है और मैं सियासतदानों को दोष नहीं देता हूँ, ये उनका हक है सियासत करना, वो दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन उनके लिए जायज है, और मैं उनको ये कहता हूं कि बिल्कुल आप सियासत करो, जो आपके जबान में आए आप बोलते जाओ, लेकिन ये मीडिया का काम है आवाम को एजुकेट करना, ठीक है ना। सियासतदान तो करेंगे, सियासतदान यही कहेंगे भाई कि मेरा एक दिन और इकतदार में गुजर जाए तो ज्यादा अच्छा है, मुझे इलेक्शन इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, मैशत भाड़ में जा चली जाए। डॉक्टर साहब अब ये दो हल पेश किए जा रहे हैं, एक तो ये है कि इलेक्शन फिलहाल ना कराए जाएं क्योंकि इलेक्शन होंगे तो हालात मजीद ख़राब होंगे, दूसरा हल ये है कि जी कुछ अरसे के लिए कम से कम 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट आ जाए, वो मईशत को संभाले और उसके बाद फिर सियासतदान के हवाले ही किए जाए, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि सियासतदान तो मामला संभाल नहीं रहे बल्कि वो बस लॉलीपॉप दे रहे हैं कौम को। मैंने मई के महीने में इंटरव्यू दिया था, पहली मरतबा मैंने सियासत पे गुफ्तगू की थी, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे कोई हक भी नहीं है सियासत पे बात करने का। लेकिन जब मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो वाया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ जाए तो फिर मुझे मजबूर था मैं कहने पे, और मैंने मई के महीने में कहा था कि देखें, उस वक्त मुझे पता था कि बजट का डेट कब आएगा, मैंने कहा था कि देखें 2 जून को बजट आएगा, पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन नहीं है, 8 जून को आप बजट पास करा के 10 जून को ये पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए और जो भी इलेक्शन एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के जो जीतता है इस पाकिस्तान की खातिर उसके हवाले करें। और क्या किया, किसी ने बात मेरी सुनी? नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे, हम मईशत को बेहतर करने के लिए आए हैं, वो आए हैं आए हैं आए हैं, करते रहेंगे, पुलों के नीचे से पानी बहता चला गया, बहता चला गया, बिल्कुल पुल के नीचे से पानी भी नहीं रहा जी। ये देखें, ये मैं खुद कह रहा हूं, अगर मैं सियासतदान होता मैं भी यही कहता जो सियासतदान कहते रहते हैं।